फॉलोइ इन टू योर स्माइल एपिसोड ट्वेल्व तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए देन आते हैं एपिसोड ट्वेल्व की तरफ हाँ तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैटी और लुयू जो हैं काफ़ी सरप्राइज़ हो जाते हैं कमरे में कुछ देख कर हमें पता नहीं है कि वो कमरे में क्या है देन हम देखते हैं कि कमरे में जो है स्माइलिंग और चज्मा जो है एक ही बेड पर सोए होते हैं जिसका उनको खुद भी पता नहीं होता है स्माइलिंग की आँख अचानक से खुलती है और वो खुद भी शौक़ हो जाती है और सरप्राइज हो जाती है उसे समझ नहीं आ रही होती है वो क्या करें और इसी सिचुएशन में वो काफ़ी परेशान होती है जब चैजमैन की भी बाहर से आने वाली आवाज़ों को सुनकर आँख खुल जाती है और वो दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं एकदम से स्माइलिंग जो है उसको चैजमैन को सॉरी बोलती है और फटाफट से ब्लैंकेट के अंदर छुप जाती है चैजमैन जो है बाहर की सिचुएशन को संभालने के लिए जो है दरवाज़ा खोलता है और बाहर जाता है बाहर जाकर वो जब देखता है तो सभी के रंग उड़े होते हैं और सब लोग उसे बड़ी हैरत से देख रहे होते हैं क्या आखिर ये क्या चक्कर है हम लोग घर से बाहर थे और पीछे यहाँ क्या हो रहा है जैसमिन कहते हैं कि ओ, उसका बेड जो उसका बेड जो था वो ख़राब था और वो यहाँ पर सो गई इसमें कौन सी बड़ी बात है और आप लोग शोर मच शोर मत मचाएं वो अभी तक सो रही है उसके इसकेरिंग बिहेवियर को देखकर सब लोग अभी तक काफ़ी हैरान होते हैं कि आखिर इसको क्या हो गया है और चैंग उनको बताता है कि ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है स्माइलिंग दरवाजे के पास जाकर उनकी बातें सुन रही होती है और फैटी कहते हैं कि घर में एक हज़ार खाली बैड थे वो सिर्फ तुम्हारी बेड पर क्यों आई और चैन कहता है क्यों से डर था कि सब बेड ख़राब ना हो जाए रुई कहते हैं कि ये दो हज़ार बीस है हमें तुम उल्लू बनाने की कोशिश मत करो आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है और सब लोग जो है हंसने लगते हैं उसका मजाक उड़ाने लगते हैं चैन जो है वो कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है हम शादी भी कर सकते हैं तुम लोग ऐसे ही बात का बतंगड़ बना रहे हो और मिंग कहता है बात वो नहीं है बट ये यंग लेडी है अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो तुम्हें इसकी फैमिली को क्या जवाब दोगे और उसे कहते हैं कि जाओ उसे जल्दी से जगाओ जाएँगे उन्हें कहता है कि आप लोग पहले नीचे चले जाएं मैं उसे जगाकर जो है वो भेज देता हूँ रुई कहता है फिर हमारे यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है कोई मकसद ही नहीं है हम लोग चले जाते हैं यहाँ रहकर मजीद सिचुएशन को ऑकवर्ड नहीं बनाते हैं ये दोनों तो बेचारे आज काफ़ी एम्बेस हो गए हैं वो भी सबके सामने फैटी बेचारा वहीं पर खड़ा रहता है और कहता है कि जनाब ये मेरा कमरा है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ बदले में चैंग उसे इस तरह से घूरता है कि उसके पास और कोई लफ्ज़ ही नहीं बचता और वो वहाँ से खिसक जाता है चैंग वापस रूम में आता है और देखता है कि बेड पर स्माइलिंग नहीं है बल्कि वो नीचे ज़मीन पर अपने ऊपर ब्लैंकेट लेके बैठी हुई है चैंग उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है और उसे कहता है निकलो और वो कहती है आई एम सॉरी ब्रदर मुझे सर्दी बहुत लग रही थी मैं ब्लैंकेट में आ गई और मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गई और चैंग कहता है कि अगर हम पुराने ज़माने में होते तो मैं तुम्हें उठाकर समंदर में फेंक देता और या फिर मैं तुमसे आठ सौ एकवीं दफा शादी कर लेता और तुम मुझे बदले में जहेज़ में क्या देती यारियों को उसकी बात कुछ समझ नहीं आती और वो कहती है क्या हम मुझे प्रपोज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और चैंग उसे कहता है भूल जाओ मैं बस तुम्हें तंग कर रहा था और उसके बाद हम देखते हैं यायो का अचानक से समझ आती है और वो अपना बायोडाटा बताने लगती है कि मैं इतनी कमाई कर लेती हूँ ये वो जहेज़ की उसके बाद उन दोनों की ब्लैंकेट को लेकर थोड़ा सा झगड़ा होता है या कहती है कि मैं इसे अपने रूम में ले जा रही हूँ मैं आपको साफ़ कर कर दे दूंगी लेकिन चैन कहता है इसे यहीं पर रहने दो वो दोनों जो है इसी ब्लैंकेट के लिए झगड़े होते हैं और अपनी तरफ खींच रहे होते हैं और इनकी ये फाइट अभी चल ही रही होती है हम देखते हैं कि वो दोनों गिर जाते हैं अब सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि कोई भी देखने वाला इसे ऑकवर्ड समझेगा और वो ऑकवर्ड समझने वाला आ जाता है वो होता है फैटी और जब वो इन दोनों को इस हालत में देखता है एकदम से शौक़ हो जाता है और फिर अचानक से कहता है हाँ हाँ इस कमरे में तो कोई है ही नहीं मैं तो जा रहा हूँ बट या और चैंग आज के दिन के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पेस हो ही चुके हैं इन सब के सामने याया जो है उसके बाद उसे बोलती है कि मैं अपने रूह में जा रही हूँ सब कुछ साफ है वगैरह वगैरह जो कुछ भी उसके मुँह में आता है बड़बड़ा कर वहाँ से निकल जाती है और हम देखते हैं कि चैंग वहीं बैठा रह जाता है और उसके जाने के बाद थोड़ा सा स्माइल भी करता है नेक्स्ट हम देखते हैं कि के बेस कैंप में रात उतर आई है और सब लोग रेस्ट कर रहे हैं लेकिन जैंग जो है वो अभी तक जाग रहा है और आज हुए सारे मामले को सोच रहा है और या का फेस और उसकी एम्बेरसमेंट जो है सोच कर काफ़ी रहा होता है जब वो उसको सॉरी बोलती है काफ़ी क्यूट लगती है वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि या के रूम में या जो है वो भी सोई नहीं होती है और वो भी इसी सिचुएशन को जो है सोच रही होती है और सोच कर उसके भी फेस पर जो है थोड़ी स्माइल आ जाती है जब उसे याद आता है कि चैंग ने कहा था कि मैं तुमसे आठ सौ एकवीं दफ़ा शादी कर लूँगा और उसके बाद हम देखते हैं कि ये दिन तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है काफ़ी एक्साइटिंग दिन था नेक्स्ट डे काफ़ी बिजी स्टार्ट होता है क्योंकि सभी लोग जो हैं महीने का एंड है और सबको अपनी लाइव स्ट्रीम का टाइम पूरा करना है जितने घंटे उन्होंने करना था और सुबह सुबह सभी लोग जो हैं लाइव स्ट्रीम के लिए बैठे होते हैं याविया के नीचे आने से पहले ही सब लोग जो हैं लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं सभी मेम्बर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं सिवा यूया के क्योंकि वो आज लेट उठी होती है चैंग भी लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है जब यविया वहाँ पर आती है और वो देखती है कि सब लोग कितने ज़्यादा बिजी हैं वो भी लाइव स्ट्रीम में और वो काफ़ी हैरान होती है और वो कहती है कि आप लोग कितने मेहनती हैं कितने हार्ड वर्किंग लोग हैं आप और चैंग उसे कहते हैं तुम्हें भी अपनी मंथली लाइव स्ट्रीम पूरी करनी चाहिए और तुम्हें भी इतना ही हार्ड वर्किंग होना चाहिए याविया कहती है कि मेरे पास अभी इतना टाइम है नहीं और वो चैंग उसे कहते हैं कि हिसाब लगाना शुरू कर दो वो कहती है रुई मुझे डिस्काउंट दे देगा बट जब वो हिसाब लगाती है और वो एकदम से शौक़ हो जाती है कि उसके पास टाइम बहुत कम है और जैन उसे कहता है वेलकम टू द हेल अब तुम्हें भी चौबीस घंटे जो है लाइव स्ट्रीम करनी पड़ेगी अपना टारगेट पूरा करने के लिए याहिया या या लाइव स्ट्रीम पूरी ए, स्टार्ट करती है और हम देखते हैं कि गोड यांग को नोटिफिकेशन आ जाता है जैन यांग को या, या की लाइव स्ट्रीम का वो भी लाइव स्ट्रीम जो है वो देख रहा होता है या इंट्रोड्यूस करवाती है यांग का टीम पार्टनर उसे देखता है और वो कहता है हमारे लीडर तो इस पर पूरी तरह फ़िदा हैं बेशक वो खूबसूरत है लेकिन वो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है या जो है वो कहती है कि अब आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा देखेंगे क्योंकि मुझे अपना लाइव स्ट्रीम जो है पूरा करना है चैंग अपनी लाइव स्ट्रीमिंग छोड़कर उसकी तरफ आ जाता है और उसके गेम की तरफ ध्यान देने लगता है चैंग को या को तंग करना इतना अच्छा लगता है कि या जो काम करती है वो उसमें अपनी टांग अड़ाने लग पड़ता है और उसे इंटरप्ट करने लग पड़ता है कि तुम्हें ये नहीं चुनना चाहिए था और वो कहती है कि आपको देखकर मेरा हाथ फिसल गया और गलती से चुना गया वो कहते हैं तुम किस किस्म की मेंटल स्टेट में हो तुम्हारा हाथ ऐसे कैसे फिसल सकता है बट इनकी ये नोकझोंक तो चलती जाती है सब लोग लाइव स्ट्रीम में ये सब देख रहे होते हैं और चैंग उसके हर हर मूव पर जो है नुकताचीनी कर रहा होता है उसको बोल रहा होता है तुम्हें ये नहीं ये करना चाहिए था ये नहीं ये करना चाहिए था उसे काफ़ी ज़्यादा इरीटेट कर रहा होता है और इस चीज़ के लिए वो काफ़ी चिल फील कर रहा था याहुआ को हम देखते हैं वो फाइनली इरीटेट होना स्टार्ट हो जाती है और चैंग को काफ़ी बार इशारा करती है कि मत करो बट डैडी कैप्टन को कौन मना करे और वो कहते हैं कि आताई नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो कहता है कि तुम्हें किस चीज़ से डर लगता है तुम आताई से इतना क्यों डरती हो क्योंकि आता ही भी उसी टाइम पर खेल रहा था आताई वो बंदा है जिसने यावुआ को हराया था बहुत बुरी तरह से और यावुआ के दिल में उसका डर बैठ गया था वो उसे कहती है लूसी चैंग तुम्हें क्या मसला है मुझे क्यों डरा रहे हो और वो कहते हैं मुझे वो टाइम बहुत याद आ रहा है जब तुम बेड पे काम रही थी और सब लोग एकदम से हैरान होते हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है चैंग के बेड वाली बात को मेंशन करने की वजह से नेट पर जो है एक हंगामा समझ जाता है और सब लोग जो है वो स्माइलिंग को पूछते हैं कि ये क्या मसला है ये क्या बात हो रही है क्या आप दोनों बेड शेयर कर रहे थे और वो लोगों को कहती है कि मैंने इसे कुछ नहीं कहा बट मैं ये नहीं कह सकती कि इस बंदे की कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं है लोगों के कमेंट्स जो हैं वो काफ़ी मीन हो जाते हैं और वो कहती है कि अगर आप में इतने ही हैं गुस्सा तो आप इस बंदे को ख़ुद पूछ लें मुझे क्यों तंग किया जा रहा है हम देखते हैं कि गोडियन को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और उसकी टीम जो है वो भी खड़े होकर देख रही होती है कि गोडियन जो है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की स्ट्रीमिंग देख रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी बुरे मूड में होता है और वो उन सबको डांट लगा देता है वो लोग कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि इसको क्या मसला है और उन्हीं में से एक बंदा कहता है कि इसकी गर्लफ्रेंड ने इसे हरा दिया और अब वो इसकी वोज़िट टीम में आ गया बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इसके सामने किसी गोल्डफिश का बॉल रख दिया गया हो और ये उसे पकड़ भी नहीं सकता है गोरियन उनकी बातें सुनता है और उनको डांट लगाता है और कहता है कि अपना काम करो और यहाँ हम देखते हैं कि जैंग जो है इस चीज़ को इंटरनेट पर क्लियर करता है कि मेरी तबीयत ख़राब थी और इसकी भी और इसका बेड जो था वो साफ़ नहीं था तो ये वहीं पर सो गई थी अब मैं इसे अगर इसे मरने देता तो मेरी टीम में एक मिड सोलो प्लेयर कम हो जाता जो कि मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि लुयू फिलहाल इसकी जगह जो है वो नहीं ले सकता बट हम देखते हैं कि चैन की फ्रेंड मैसेज कर देती है और वो यावियो को कहता है क्या ये तुम्हारी फ्रेंड है और वो कहती है तुम्हें कैसे पता वो कहता है कि क्योंकि इसने अभी से एक ऐसी बात की है जो मुझे बहुत फैमिलियर लग रही है ह्यूमंस को ना पसंद करने वाली जो मैंने मेरी तुमसे बात हुई थी और उसे कहते हैं मेरे बारे में तुम रूमर्स मत फैलाओ खैर इनकी लाइव स्ट्रीम जो है चलती जाती है और इनकी नोक नोकझोंक भी सुबह से जो है शाम हो जाती है और ये शाम होने के दौरान दौरान हम देखते हैं कि ये बात जंगल में आग की तरह नेट पर वायरल हो जाती है कि जी जी डी एक्स की स्माइलिंग और चेस्मैन जो है बेड शेयर कर रहे थे और ये बात जो है या, या, या कि एक्स बॉयफ्रेंड को हज़न नहीं हो रही थी वो काफ़ी सारा ड्रिंक करता है और उसके बाद वो बेस कैंप आ जाता है बट वॉचमैन जो है उसे अंदर नहीं आने देता है और कहता है आप जिससे भी मिलने आए हैं आप उसे कॉल करें वो वॉचमैन का फ़ोन लेके कॉल करता है क्योंकि उसका नंबर याविन्ह ने ब्लॉक किया होता है ब्लैक लिस्ट किया होता है या भी फ़ोन स्पीकर पर ही डाल देती है क्योंकि उसे नहीं पता होता है कौन है पूछती है कौन है बट गोडियंग जो है वो कुछ कह नहीं पाता है उसकी आवाज़ सुनकर वो बस उसकी आवाज़ सुनता है और कुछ देर के लिए खामोश रह जाता है उसकी खामोशी की वजह से चैंग बोल पड़ता है और कहता है कि अगर तुम्हें बात नहीं करनी तो फ़ोन बंद कर दो तभी गोडियंग जो है उसे कहते हैं कि ये मैं हूँ उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ बैठे दूसरे लोग भी काफ़ी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो लाइव स्ट्रीम में होती है तो लोग भी ये सुन लेते हैं बट या ही फ़ोन जो है स्पीकर से हटा कर फ़ौरन से कान के साथ लगाती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो और वो कहते हैं कि मैं आपके बेस कैंप में हूँ लेकिन वॉचमैन जो है मुझे अंदर नहीं आने दे रहा या ही कहती है कि अचानक से तुम आए हो खैर मैं आती हूँ वो लुईय को कहती है कि मेरी गेम को एंड कर दो मैं इससे मिलकर आती हूँ या हुई वहाँ से जाने लगती है और चैंग उसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है या ही उसे कहती है मुझे क्या पता वो यहाँ क्या कर रहा है मैं जाकर देखूँगी और उसके जाने से हम देखते हैं कि जैन का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है उसे गुस्सा आता है और लाइव स्ट्रीम पे लोग भी इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे होते हैं कि टीम सी का जंगलर यहाँ पर आखिर क्या कर रहा है और इनकी मिड सोलो प्लेयर से क्यों मिलने आया है और क्या ये फ्यूचर में एक होने वाले हैं वगैरह वगैरह यहाँ हम देखते हैं कि जैन जो है उसका फ़ोन वापस करता है और वॉचमैन को तसली हो जाती है कि बंदा अंदर किसी को जानता है वो उसे आने देता है या यो बाहर आती है लेकिन बाहर एज जो है पहले से ही उसका वेट कर रहा होता है क्योंकि लाइव स्ट्रीम में सबको पता चल जाता है कि गॉडियन उससे मिलने आए हैं तो या की बेस्ट फ्रेंड एजे को भेजती है भाई जाओ याओ, याओ के पास मेरा पैगाम दो उसको और वो उसे समझाती है कि तुम्हें किसी की भी बातों में आने की जरूरत नहीं है ई स्पोर्ट में से किसी को भी अपना बॉयफ्रेंड बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ये बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं वगैरह 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 सब बातें उसे समझाती है और याहि उसे कहती है तुम फिक्र मत करो मैं बस उसे वापस भेजूँगी इतना ही काफ़ी है और उसकी दोस्त कहती है कि ये बहुत ही बुरी पब्लिसिटी हुई है तुम्हारी आज जो तुम्हारी लाइव स्ट्रीम के दौरान वो आ गया है और क्या तुम चाहती हो एजे तुम्हारे साथ आए जिस पर एज जो है वो कहते हैं मैं इसके साथ नहीं जाना चाहता और वो तो एटीट्यूड वाली से कहती है तुम चुप रहो वहीं पर गोड जो है वो आ जाता है और एजे उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें लाइव स्ट्रीम दिखाता हूँ इन दोनों की ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो छुप कर इन दोनों की जो है लाइव वीडियो अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाने लगता है या यूँ उसके पास जाती है उसे पूछिए तुम यहाँ क्या कर रही हो और वो बिना कोई बात किए उसे हक कर लेता है और गले लगा लेता है इस बंदे ने काफ़ी ड्रिंक किया होता है और इसको फ़िलहाल कुछ पता नहीं होता है यहाँ मोबाइल में उसकी फ्रेंड जो है वो गुस्सा कर रही होती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई ए जी उसे कहते हैं कि अपनी आवाज़ नीचे रखो वरना तुम अपने साथ साथ मुझे भी पड़वा दोगी याहूिया उसे कहती है कि दूर हटो और वो उसे पूछता है क्या तुम लोसीचैन के साथ हो क्या तुमने उसके साथ तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो वगैरह वगैरह और याऊिया उसे कहती है कि तुम ये क्या बातें कर रहे हो वो कहते हैं कि लाइव स्ट्रीम या यो कहती है लाइव स्ट्रीम की बात हमने लाइव स्ट्रीम में ही क्लियर कर दिया ये मत कहना कि तुम इतनी दूर से टैक्सी लेकर सिर्फ ये पूछने आए हो गॉसिप करने के लिए आए हो तो जान जो है उसे कहता है कि लाइव स्ट्रीम की बात जो भी थी बट मैं पागल हो गया हूँ ये सोच सोच कर मैं अकेले नहीं रह सकता प्लीज़ मुझे एक और मौका दे दो या यो जो है उसका चेहरा देखती रह जाती है कि इसको क्या हो गया है वो कहती है मैंने पहले ही इस बात को बहुत क्लियर कर दिया था कि हम दोनों अब साथ नहीं हो सकते जैन यंग उसे कहते हैं ये बिल्कुल सही है बट आ, मैं वो कहती है कि तुम अपने करियर पर काम कर रहे थे और जैन एंग जो है उसे कहते हैं कि ये बात नहीं है कि तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन का कोई मौका देना चाहिए था तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो सबसे पूछ लो मैं पागल हो गया हूँ आजकल मुझसे कोई काम नहीं होता और यारी उसे कहती है कि मैं क्यों दूसरों से पूछूं जबकि मुझे पता है खैर इन दोनों की बहस हो रही होती है और जो कि यारोह की बेस्ट फ्रेंड को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है और वो चैन को मैसेज करती है एज अ स्ट्रेंजर कि आपका मिड सोलो प्लेयर जंगलर से मिल रहा है चैंग जो है उसे इग्नोर कर देता है बट वो फिर से उसे मैसेज करती है बार बार कर करी होती है और देन फाइनली उसे कहती है कि वो माई गॉड उन दोनों ने हक कर लिया चैंग के सबर की हद यहीं तक होती है और फिर वो गुस्से में वहाँ से उठता है और जाने लगता है लुई उसे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं और वो कहते हैं कि मैं कैंडीज़ लेने जा रहा हूँ लुई उसे कहते हैं तुम्हारे पास काफ़ी कैंडीज़ हैं तो चैंग कहता है हाँ तो मैं बस कैंडीज़ देखने जा रहा हूँ एक्चुअली बंदा काफ़ी गुस्से में होता है और उसे समझ भी नहीं आती है वो क्या बहाना डाले वहाँ हम देखते हैं कि याया जो है उसको मना करती है कि स्टॉप पिट ये सब बचपना बंद करो जैंग से कहती है कि मुझे एक और चांस दो मुझे पता है मैंने तुम्हें हर्ट किया है और यायो कहती है कि मेरी बात सुनो जो हो चुका हो चुका लेकिन जैंग उसकी बात नहीं सुनता है और कहता है कि अब तुम भी इंडस्ट्री में हो तुम्हें भी पता है कि मीडिया है फैंस हैं मुझे हर वक्त डर रहता था कि मैं तुम्हें कोई नुकसान हो मैं तुम्हें कैसे प्रोटेक्ट करूँगा ये सब अब तो तुम्हें इन सब चीज़ों का पता ही है यावि उसकी बात सुनती है वो अपनी फीलिंग्स उसे बता रहे थे कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ मैं इस टाइम को मिस करता हूँ मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं अपने करियर पर किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर सकता याहुआ उसे कहती है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आई मैंने तुम्हें पहले भी कहा था बट इतनी ही देर में वहाँ पर चैंग आ जाता है और वो यायो को कहते हैं कि मुझे कैंडीज़ ख़रीदनी है और मैं अपना वॉलेट घर भूल आया हूँ मुझे कुछ पैसे दो जिस पर यायो थोड़ा हैरान होती है और इसे कहती है मोबाइल से पे कर दो लेकिन डैडी कैप्टन उसको इस तरह से घूरते हैं कि वो समझ जाती है कुछ गड़बड़ है और वो उसको पैसे दे देती है एंड पैसे लेकर चैन जाने के बजाय कहते हैं ओह बाय द वे मैं एक बात कहना भूल गया मुझे तुम दोनों के डेट करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बट ये मेरी टीम की मिड सोलो प्लेयर है और ये नेशनल चैम्पियनशिप्स में ज़रूर जाएगी और मैं नहीं चाहता इसका ध्यान ख़राब हो इसलिए दूर रहना मेरी टीम की मेम्बर से और साथ ही चैन यैन को ये भी कह देता है कि अब हम नेक्स्ट मैच में आप लोगों को टीम जी जी बहुत बुरी तरह से हराएगी ठीक है मेरी बात ख़त्म हो गई अब तुम दोनों अपनी बात जारी रख सकते हो और ये कहकर बिना उनकी बात सुने चैंग जो है वहाँ से चला जाता है वापस बात करें या और जैन की और जैन जो है उसे कहता है कि जो भी हुआ आ, मुझे मौका दो या उसे कहती है कि बात वो नहीं है इन सब बातों को साइड पर रखा जाए आ, हर चीज़ को तुम्हारे अपने ख्वाब हैं तुम उन पर काम कर रहे थे और अब मेरे अपने गोल्स और मेरे अपने ख्वाब हैं हम दोनों एक ही पेज पर नहीं हो सकते मैं सारी जिंदगी बस तुम्हारा हाथ पकड़कर साइड पर खड़ी नहीं रह सकती हम दोनों जो हैं एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच नहीं है तो बेहतर है कि हम दोनों जो हैं अलग हो जाएं लेट्स को इस बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं जेनियन काफ़ी परेशान होते हैं कहते हैं तो अब हम क्या हैं और यायो से कहती है हम फ्रेंड हैं और जैनियन कहते हैं ठीक है अगर हम फ्रेंड हैं तो फिर मुझे रिमूव कर दो या कहती है किस बात पर वो कहते हैं कि अपनी ब्लैक लिस्ट से यायो जे एन का नंबर अपनी ब्लैक लिस्ट से रिमूव कर देती है जिस पर वो काफ़ी खुश हो जाता है और उसके बाद कहता है कि एक आ, आ, वो कहती है यायो से कहती है कि फ्यूचर में कोई अजीबोगरीब गरीब बातें मुझसे मत करना कि हम साथ रहें मुझे माफ़ कर दो ये वो और जे कहता है नहीं करूँगा बट एक लास्ट है और याओ उसकी ये बात मान लेती है उसकी रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट कर लेती है जिसका वो फ़ायदा भी उठा लेता है देन देट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली हक जैसे कि यावि कहती है बाद में कि ये सिर्फ़ एक फ्रेंडली हक हक था उसके बाद वो उसे कहती है चलो तुमने ड्रिंक किया व इतना ज़्यादा मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ देती हूँ जैन जो है काफ़ी परेशान होता है बट वो यावि की बात मान लेता है याविया उसे छोड़ने आती है और वो आ, आ, फाइनली उसको गुड बाय कह ही देता है काफ़ी परेशान होता है दुखी होता है हम देखते हैं कि वो मुड़कर यावि को देखता है जो अभी पीछे ही खड़ी होती है जैनियन को उस सब कुछ याद आने लगता है जब पहली बार उसकी याविया से मुलाकात हुई थी वो उसके घर आई थी और उसने उसके साथ फ्रेंडशिप की थी ये लोग इनके एक्चुअली में नेबर्स थे इनके घर के साथ ये लोग आए थे और फिर इनकी फ़्रेंडशिप फिर ये बड़े हो गए याविया की बातें उसके साथ टाइम स्पेंड करना उसके साथ सारे क्यूट मोमेंट्स कूल मोमेंट्स जैनियन को सब कुछ याद आ रहा होता है वो अच्छा टाइम वो बातें वो स्माइल्स वो शरारतें नोक छोक उसे सब कुछ याद आ रहा होता है कि यावुिया कितनी अच्छी पार्टनर इसके साथ रही थी जैनयंग ने ही उसे गेम खेलना सिखाया था और जैनयंग ने उसको लॉकेट गिफ्ट किया था जो कि याविया हमेशा से अपने गले में रखती थी जिसे जैनयंग ने खुद ही उसके गले में डाला भी था और फिर वो वक्त जब जैनयंग ने उसे कहा था कि मुझे स्कूल नहीं जाना बल्कि मुझे ई स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना है याहुआ ने उसे गुड बाय कहा था यावुआ उस टाइम पे काफ़ी सैड थी जैनयंग ने तब भी गाड़ी से मुड़कर उसे देखा था और जैनयंग ने आज भी गाड़ी से मुड़कर उसे देखा था सीन वही था तब भी यायुआ से पीछे से गुड बाय कह रही थी और अब भी यायो उसे गुड बाय कह रही थी लेकिन फ़र्क ये था तब वो भागी हुई इसके पीछे भी आई थी बट अब वो वापस चली गई थी यायो अपनी फ्रेंड को मैसेज करके सब कुछ बता रही होती है कि तभी सामने चैंग खड़ा होता है वही रूड एटीट्यूड के साथ और वो कहता है कि क्या तुमने इसके साथ दोबारा से पैचअप कर लिया है यायो कहती है ऐसी बात नहीं है और वो कहता है कि तो फिर तुमने उसे हक क्यों किया यायो कहती है तुम्हें कैसे पता तुमने कब देखा और चैन कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कहती है कि ये बहुत फ्रेंडली हक़ था और चैन कहता है मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो तुम मुझे बहला रही हो या या कहती है तुम यहाँ करके रहे थे कहता है मैंने कहा था कि मैं कुछ कैंडीज़ लेने आई हूँ लेने आया हूँ और या या कहती है कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है तुम कैंडीज़ लेने नहीं यहाँ पर सिर्फ सीन क्रिएट करने आए हो और चैन जो है उसे कहता है जो मर्जी सोचो दोनों की वहाँ नोकझोंक चलती है उसे कहते हैं तुम्हारा दिमाग तो एलिफेंट के साइज़ का है तुम्हारे पास सिक्स सेंस कहाँ से आ गई और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे साथ जबान लगा सको चाइल्डिश बिहेवियर है तुम्हारा खैर उसको थोड़ी सी डांट पिला कर दोनों अंदर चले जाते हैं वापस बेस कैंप में हम देखते हैं बेस कैंप में आकर चैंग लाई हुई कैंडिस को टेबल पर पटक देता है और लोई पूछता है कि आप दोनों एक साथ कैसे वापस आ गए और गोडियन को क्या तुम रिजेक्ट कर रही हो और मेरे भाई को सिलेक्ट करके इसके साथ आ गई हो और याव कहती है नहीं हम दोनों बस रास्ते में मिले हैं मैं इसके साथ नहीं आई इसको सिलेक्ट करके और वैसे भी तुम्हारे भाई को सिलेक्ट करके मुझे क्या मिल रहा है मैं भी और कुछ साल जिंदा रहना चाहती हूँ इसको सिलेक्ट करके मुझे फ़ौरन से मरना नहीं है और ना ही मुझे किसी स्पोर्ट प्लेयर के साथ आ, को बॉयफ्रेंड बनाना है खैर वो कहते हैं तुम्हें गर्ल हो तुम्हें थोड़ा पोलाइट और जेंटल होना चाहिए लेकिन इसी दौरान यावह की नज़र पड़ती है कि लुईयो यावह के अकाउंट पर ही खेल रहा होता है और काफ़ी ब्लेंडर्स मार रहा होता है उसका नाम काफ़ी ख़राब कर रहा होता है जिस पर याविया भड़क जाती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें नहीं कहा था लुइयू कहता है तुमने ही मुझे कहा था खेलने के लिए इन दोनों की बहस चल रही होती है और चैंग उन्हें कहता है कि इतना शोर मत मचाओ लुई कहता है कि तुम कैंडीज़ खाओ जो तुम लेकर आए हो और वो कहता है कि यविया कहती है ये कैंडीज लेने नहीं गया था क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी कैंडीज मौजूद हैं लेकिन ये बाहर वैसे ही आया था जिस पर लुइयू जो है काफ़ी हंसता है चैंग की बात पर और चैंग उन्हें कहता है कि मैं यहाँ घंटों से बैठा हूँ परेशान हो गया हूँ अब क्या मैं बाहर ताज़ा हवा खाने के लिए भी नहीं जा सकता उसकी इतनी मासूमियत से लुई कहता है जी जी बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल इतफ़ाक़ करता हूँ आप बाहर ऐसे ही गए होंगे और वो कहता है कि हमारी टीम जो है चैम्पियनशिप के लिए इस बार अपना अज़म बनाया हुआ है तो कोई डेट्स कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड किसी का कुछ नहीं होगा सब लोग सिर्फ गेम पर फोकस करें जिस पर लुइ जो है काफ़ी हंसता है उसकी सिचुएशन पर देन हम देखते हैं कि Uh, याऊिया के पुराने बॉयफ्रेंड का यहाँ पर आना नेट पर वायरल हो जाता है जिसकी वजह से उसकी फ्रेंड जनियन जो है उसको कॉल करती है और उसे बोलती है कि अब मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम था उसका वो क्यों आया था जिस पर याऊिया जो है पूरी स्टोरी उसको सुना देती है और वो कहती है कि मुझे लगता है कि अभी भी तुम्हारी वाइट शार्क वाली स्टोरी चल रही है और वो उसे कहती है कि चैंग ने तुम्हें आज मना किया वो कहती है हाँ मुझे लगता है वो नहीं चाहता कि कोई भी उसकी टीम का प्लेयर इस किस्म के स्कैंडल्स में इन्वॉल्व हो और उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हें ये सिंपल लगता है मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ ये चाहता है कि उसकी टीम का कोई मेम्बर इस किस्म के स्कैंडल्स में इन्वॉल्व हो और याविया उसे कहती है कि मुझे तुम पागल लगती हो वो अपनी फ्रेंड से बहस कर रही थी बट कुछ इनर सेल्फ में वो भी जानती है कि चैंग जो है उसने सिर्फ इसलिए मना नहीं किया कि कोई भी मेम्बर जो है इन्वॉल्व हो उसने स्पेशली याऊिया को मना किया है खैर वो कहती है वो इतना पॉपुलर है अच्छे ख़ानदान से है वो मुझे सी लड़की को अगर एक्सेप्ट करता है तो मेरा ज़रूर उस पर कोई जादू ही होगा जिस पर उसकी फ्रेंड उसे काफ़ी हौसला देती है कि नहीं भाई तुम परफेक्ट हो और वह कहती है तुम्हारी इन्हीं बातों से मैं तुम्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगी उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मुझे ब्लैक लिस्ट में डालोगी खैर वो कहती है कि उसकी फ्रेंड दोनों की बातें हो रही होती हैं और लास्ट पे जो है उसकी फ्रेंड उसको कह देती है कि ठीक है भाई जो तुम्हें ठीक लग रहा है गुड नाइट रात बहुत हो गई है वो गुड नाइट बोल देती है बट या यो भी इस चीज़ को सोच रही होती है जो उसकी फ्रेंड कह रही है काफ़ी हद तक सही होता है और इंटरनेट पर फैलने वाले बहुत सारे कमेंट्स जो हैं वो भी उसके दिमाग में घूम रहे होते हैं और कुछ लोग या, या को गालियाँ भी निकाल रहे थे कि वो चैन के लिए परफेक्ट नहीं है एपिसोड ट्वेल्व यहीं पर ख़त्म होता है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू